हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ है, तो एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताया था और पार्ट 2 में मैं चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां क्वेश्चन बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो भी पूरा बने रहिएगा। और इससे पहले मैंने क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन डाला था और उसके सोल्यूशन डाला था, तीन पार्ट में बना था, जाके देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है। और पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अभी के लिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 है, पार्ट 2, और हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। तो चौथा क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन है HCF ऑफ 306 और 657 का 9 है, मतलब कि 306 और 657 का जो HCF है, हम लोग लिख लेते हैं कितना है, 306 का और 657 का जो HCF है वो है दोस्तों 9। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है कि LCM ज्ञात करना है, किसका, 306 का और 657 का आपको LCM ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि हमने आपको बताया था कि एक फार्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। देखिए, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 है, HCF 9 है, तो यहाँ से हमको LCM पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 का पारा 3 बार 27 आएगा, बचेगा 3, 4 बार जाएगा 36 हो जाएगा, मतलब कि 34 इंटू 657 बराबर LCM ऑफ कितना, 306 और 657 का ये LCM हो गया। अब दोस्तों, जो इसका आप गुणा करेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप आगे तो गुणा कर ही सकते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो मैं यहीं पर कर देता हूँ। 8 आएगा, 2 यहाँ पर बच जाएगा, 4 पंचे 20, 2 22, फिर 2 बचेगा, 4 छः 24, 2 26, उसके बाद 3 सत्ते 21 के हासिल 2 बचेगा, 3 पचे 15, 2 17, 1 बचेगा, 3 छंग 18, 19। तो यहाँ पर 8, 3, 7 छः 13 की 3, 9 2 11, 1 12, 1 बचेगा, 1 1 2, लगभग यहाँ पर इतना आएगा। यहाँ पर 22 हजार 338 आएगा LCM। तो LCM जो इसका आएगा 22 हजार 338 आएगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने एक क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समझना ज़्यादा है और लिखना भी थोड़ा है, और इसमें सॉल्विंग तो बिल्कुल सॉल्विंग नाम की चीज़ ही नहीं, बस आपको इसमें लॉजिक लगाना है। चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं। इसमें आपको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय लगाना है। चलिए, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब कि जो 6n है ये उसके लास्ट में क्या 0 आएगा। देखिए, जो यहाँ n है वो प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3, मतलब ये प्राकृतिक संख्या है, तो 6n है, तो इसमें कह रहा क्या 0 आएगा। जैसे कि 6n बराबर, मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह। तो जैसे 6n है तो 6 आएगा, 6n2 करेंगे तो 36 आएगा, 6n3 करेंगे तो यहाँ पर 2 16 आएगा। इस तरह आप करते चले जाएंगे, क्या इसके अंत में 0 आएगा ये यहाँ पर बताना है। चलिए दोस्तों, इसके हम लोग आपको सॉल्विंग, हम आपको सॉल्विंग बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमको पता है कि जो 6 के फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 3, तो 6n के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 की पावर n, मतलब कि 2 इंटू n, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जांपल पे दिया हुआ है, आपको लगभग जो लैंग्वेज है उसी तरह लिखनी है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख के बता दूंगा और आपको जो इसमें लॉजिक लगना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों बता देते हैं। देखिए, अब आपको पता है यदि कोई भी संख्या की पावर में n है तो वह 0 पर कब समाप्त होगा, जब उसके अंत में 0 होगा। मतलब कि देखिए, हम 6n चाहे जितना कर दें चाहे जितना कर दें, लेकिन 0 नहीं आएगा। यदि यहीं पर हम 6n की पावर में, मतलब कि जैसे कि 10 का करें
20 का करें, 30 का करें, 40 का करें, मतलब कि जो संख्या है उसके अंत में जीरो होगा तब स्क्वायर करने में, तभी जीरो आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, यदि 6n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जीरो पर समाप्त होगी, तो यहाँ पर जो संख्या होगी 6n, इसके गुणांक है मतलब कि इसका जो गुणांक होगा तो समाप्त होगी, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5n होना आवश्यक है, 5n होना आवश्यक है, क्योंकि हमने यन इसलिए ही लिखा क्योंकि यहाँ पर 6n है। यदि हम यहाँ 6 लिखते तो यहाँ 5 लिखते। देखिए अब आपको मैं समझा देता हूँ, 5n भी होना आवश्यक है और 2n भी होना आवश्यक, मतलब कि 5 व 2 होना आवश्यक है। यदि 6n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होगी तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड में 2n और 5n होना आवश्यक है। देखिए जैसे कि यदि कोई भी संख्या दी हुई है, मान लीजिए 3 दिया हुआ है, तो 3 मेरी 2 और 5 होगा, तो 5 दूनी 10 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। जब अब 30 का जितनी भी बार हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें, तो आपको लास्ट में 0 आएगा, मतलब कि 2 और 5 होना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ 6 में 6 का करें तो 3 है 2 है लेकिन 5 नहीं है, यदि 5 यहाँ पर हो जाएगा तो यही वाला कंडीशन बन जाएगा और हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परंतु 6n में, 6n में 2n इंटू 3n ही अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं है, कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 6n 0 पर समाप्त होगी। दोस्तों देखिए लैंग्वेज आपको एग्जांपल से भी देख लेना, जो मैंने बताई है इसको भी देख लेना है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो 6n है 0 पर कब समाप्त होगी, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2n और 5n होंगे, जब इनके गुणनखंड में 2n या 5n होंगे तभी यह 0 पर समाप्त होगी। देखिए अब हम यहाँ पर 2 ना लें, सिर्फ 5 लें, तो यहाँ पर देखिए 6 6 है, तो यदि यहाँ पर 5 होगा तो 30 हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 3n दिया होता तब वहाँ पर 2n और 5n होना आवश्यक था, इसलिए हमने यहाँ पर आपको 2n और 5n बताया, क्योंकि 2n इंटू 5n जब करेंगे 2n इंटू 5n तो 10n हो जाएगा, तो इस कारण यहाँ पर जब 10n होगा तभी हम कह सकते हैं कि जो n का कोई मान है जब 0 पर समाप्त होगा, तो यही इसीलिए हमने किया 2n 5n होना आवश्यक है, परंतु 6n में 2n 3n ही अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 6n 0 पर समाप्त हो। तो इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना था। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं। तो देखिए 7 × 11 × 13 + 13, तो इसमें कह रहे बताइए कि भाज्य संख्या है और क्यों है। देखिए अब यहाँ से हम ये 13 कॉमन लें तो क्या आएगा, 7 × 11 + 1, अब यहाँ पर आएगा 77 × 1 + 1, तो यहाँ आएगा 78। अब देखिए 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 6, मतलब कि 13 × 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अब हम लोग को क्या मिल रहा है, अब आगे इसको एक बार और लिख सकते हैं कि 3 × 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए अब आपको पता हो गया कि ये भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के मिलने से बनती हैं। देखिए जो 78 है ये दो या दो से अधिक भाज्य संख्याओं से अभाज्य संख्याओं से मिल रहा है। यहाँ देखिए 13 × 6 है, 13 × 6 है, तो यहाँ पर 6 अभी भाज्य संख्या है, तो इसको हमने एक बार और फैक्टराइजेशन इसका किया तो आया 13 × 13 × 3 × 2, मतलब कि यहाँ पर अब सारी जो संख्याएं हैं यह हम लोग की
अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जो यह संख्या है यह दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड से बनी है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि 7 × 11 × 13 + 13 दो या दो से डाइल लिख देते हैं क्योंकि हम लोग को पता चल रहा है कि दो से अधिक है, दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड से बनी है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो आपको बस इतना लिख देना है कि 7 × 11 × 13 + 13 दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड से बनी है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो यही आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना था। फिर इसी में जो एक और संख्या दी हुई है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन मिल जाएगा। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम देखें तो जो 6 है 6 को भी हम अभी दो या दो से अधिक संख्याओं में लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं। तो यदि आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि आप आगे सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो देखिए 7 का पड़ा 6 पढ़ेंगे तो 42 आएगा, उसके बाद 42 × 4 करेंगे, 4 × 2 = 8 होगा, 4 × 6 = 16 हो जाएगा। देखिए आप आगे ना करिए तो भी सही है, करेंगे तो भी सही है। तो आप मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने इसको लिखा था आप आगे लिख लीजिएगा। तो वहाँ पर भी दोस्तों कुछ बनेगा इसी तरह कंडीशन, तो वहाँ पर भी आपको ये लिख देना, बस आपको संख्या चेंज कर देना, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड से बनी है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। आपको नीचे भी वही लिख देना है, इस तरह का कुछ आपको कंडीशन बनेगी। वीडियो ना लंबा हो इसलिए मैंने नहीं कराया क्योंकि मैंने आपको ऊपर ये बता दिया है। देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ क्या करना है, इसका आपको मल्टीप्लाई करा लेना है सबका, उसके बाद उसमें एक जोड़ देना है। फिर उसको आपको जैसे कि मैंने इसको लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि में विधि द्वारा फैक्टर करके, तो वहाँ यहाँ पर भी आपको वही कर देना है। पहले इसका ये आया मल्टीप्लाई करने में इतने का आ गया, फिर 3 × 2 कर देंगे 6 आ जाएगा, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उस पर एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने के बाद उसको हम फैक्टर कर लेंगे, बाद में वही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इस तरह आपको कर लेना है। अब दोस्तों अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर वो दोनों दौड़ रहे हैं रवि और सोनिया, मान लीजिए यहाँ से उन्होंने शुरू किया और एक ही दिशा में शुरू कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि जो रवि है वह 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है और जो सोनिया है वह 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। हमको यहाँ पर अभी चक्कर को मतलब हमको ये लगा बताना है कि वह कितने समय बाद यहाँ पर मिलेंगे। देखिए अब रवि मान लीजिए यहाँ से चला तो यहाँ पर आया, जब एक बार यहाँ पर आया तो 12 मिनट में आ गया, और सोनिया उतने समय कहाँ पर होगी, लगभग मान लीजिए यहाँ पर होगी, तो वह 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। रवि पहले यहाँ पहुँच चुका है, सोनिया 6 मिनट बाद यहाँ पहुँचेगी, उसके बाद फिर दूसरा चक्कर लगाएगा, तो जब रवि यहाँ होगा तो सोनिया लगभग यहाँ पर होगी क्योंकि हर बार वह बढ़त बनाता चला जाएगा। फिर रवि एक चक्कर घूमेगा तो सोनिया यहाँ पर होगी, फिर रवि एक चक्कर घूमेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि सोनिया यहाँ होगी और रवि उसको पार करते हुए जा रहा होगा, मतलब कि सोनिया के चक्कर कम होंगे रवि के चक्कर ज़्यादा होंगे क्योंकि वह समय कम ले रहा है, सोनिया समय ज़्यादा ले रही है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी मैदान पर दौड़ रहे हैं, जब आपका फ्रेंड यहाँ था तब आप यहाँ थे, फिर एक चक्कर आए तब आपका फ्रेंड यहाँ पहुँचा तब आप यहाँ थे, फिर एक चक्कर आए तब आपका फ्रेंड यहाँ था तब आप यहाँ थे, फिर दोबारा चक्कर लगाया तब आप यहाँ थे और आपका फ्रेंड भी यहाँ पर था, मतलब कि आप उतने टाइम उसको पार कर रहे थे, आपने उससे एक ज़्यादा चक्कर लगा लिया। तो वही यहाँ पर बताना है, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं कि कम से कम निकालते हैं, कम से कम मतलब कि LCM। तो देखिए 12 और 18 है, 12 और 18 का हम लोग LCM निकालेंगे, तो 12 के लिए 2 × 2 × 3 मतलब कि 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1,
18 के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो मतलब कि 2 इंटू 3 की पावर 2। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम एलसीएम होता क्या है, सभी गुणनखंडों की अधिकतम घाते हैं, सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घाते हैं। देखिए 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो अधिकतम घात लेना है तो 2 की पावर 2 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2, अधिकतम घात लेना है तो 3 की पावर 2 लेंगे। तो 2 का गुणा 2 बार 4 आएगा, 3 का गुणा 3 बार 2 बार 9 आएगा, तो 9 चौका 36, मतलब कि एलसीएम 36 आ गया। मतलब कि क्या हुआ कि वह 36 मिनट पश्चात इस स्थान पर दोबारा मिलेंगे आके, 36 मिनट बाद। मतलब कि रवि एक चक्कर लगा रहा है 12 मिनट में, सोनिया एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, मतलब कि 36 मिनट बाद क्या होगा कि रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है, तो 36 मिनट में रवि कितने चक्कर लगा लेगा, 3 चक्कर, मतलब कि वह 3 चक्कर लगाएगा, सोनिया 2 चक्कर, क्योंकि 1 मिनट में 18 तो 2 मिनट में 36, इसी तरह 1 मिनट में 12 तो मतलब कि 1 मिनट एक चक्कर में 12 मिनट तो 3 चक्कर में 36 मिनट, इसी प्रकार 1 मिनट एक चक्कर में 18 मिनट तो 2 चक्कर में 36 मिनट। मतलब कि जब रवि 3 चक्कर लगा लेगा तो सोनिया सिर्फ 2 चक्कर लगा पाएगी, तभी रवि उसको पार कर रहेगा, मतलब कि तभी वो एक स्थान पर मिल पाएंगे। तो इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बताया, तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस एक्सरसाइज लगभग ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, 1 मिनट दोस्तों आप एक चीज़ भूल के जा रहे हैं, वीडियो को लाइक करना भूल रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।